दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खेले गए ब्रॉन्ज मेडल के बैडमिंटन मैच में लक्ष्य सेन के साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जो इस मैच में लक्ष्य की हार की एक बड़ी वजह भी साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के लक्ष्य सेन और मलेशिया के लीजी जिया के बीच ब्रॉन्ज मेडल का एक जबरदस्त मैच खेला गया, जहां पहले सेट में तो लक्ष्य सेन ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे सेट में लीजी जिया ने लक्ष्य को हावी होने का 1% भी चांस नहीं दिया और तीसरा सेट 11-21 के बड़े अंतर से जीतकर लक्ष्य सेन का ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब दूसरा सेट चल रहा था, तब शॉट को डिफेंड करने की कोशिश में लक्ष्य का प्लेइंग हैंड इंजर्ड हो गया और ब्लीडिंग भी होने लगी, और इस दौरान ग्राउंड स्टाफ ने अच्छी तरह से प्लेइंग कोर्ट को क्लीन भी नहीं किया, और शायद लक्ष्य सेन की ये इंजरी ही भारत और उनकी इस मैच में हार की एक सबसे बड़ी वजह भी साबित हुई। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए।